प्रधानमंत्री अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे तो सीतापुर की नैमिषारण्य में उसी की तर्ज पर दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य है, जहां पर 51,000 दीपक को जलाने का कार्यक्रम किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। चूंकि दीपावली के पावन पर्व पर और अयोध्या में हर साल जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम होता रहा है, यहाँ भी होता है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की तरफ से DM सर के निर्देश में, DC सर के निर्देश में हमको ये निर्देशित किया गया कि आप भी जो है अयोध्या के तर्ज पर यहाँ कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। तो हम लोगों ने 51,000 दिए की व्यवस्था की है, और इसमें अच्छी बात यह है कि पूरे ज़िले से जो है दिए मंगाए गए हैं और प्रति ग्राम पंचायत 40 दिया, जिससे कि सबकी इसमें पूरी तरीके से सहभागिता बनी रहे और दीपावली के पावन पर्व पर सबको इस जो महोत्सव है उसका लाभ मिल सके। सर, इतने दिए लगाने में लगभग कितने कर्मचारी लगे हैं? जी, इतने दिए लगाने में करीब जो है हमने 7 ब्लॉकों के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मदद ली है, बाकी हमारे सचिव साहब लोग हैं, हम लोग खुद उसमें देख रहे हैं, बाकी जो है मंदिर की तरफ से जो है सहयोग मिल रहा है और कुछ श्रद्धालु स्वयं भी आकर के लगा रहे हैं, तो इसमें करीब हम मान सकते हैं कि 400 से 500 कर्मचारी जुटे हुए हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य की पावन धरा और धरती के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले चक्रतीर्थ पर यह आयोजन किया जा रहा है। चक्रतीर्थ से लेकर ललिता देवी मंदिर तक दीपों को जलाया जाएगा। अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य में भी चक्रतीर्थ को प्रकाशित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका। आपको बता दें, जहां अयोध्या में इस समय 51,00,000 दीपों से आज प्रज्वलित किए जाएंगे, उसी के शासन आदेश आज नैमिषारण्य में भी पंचायती विभाग के द्वारा नैमिषार चक्रतीर्थ को दीपों से सजाया जा रहा। आप यहां पर 51,000 दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। शाम को जब 6 बजे के बाद यह नज़ारा यहां पर एक अद्भुत को देखने को मिलेगा। 6 बजे के बाद यहां पर भव्य अष्टकोणी आरती उतारी जाएगी, उसके बाद ही यहां पर दीप प्रज्वलित होगा, जिसमें सांसद, क्षेत्रीय सांसद, विधायक, तमाम अधिकारीगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। DM अनुज सिंह ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी पंचायती राज अधिकारी को दी है। जिले के अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। शाम 6 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम होगा और साथ ही अष्टकोणीय आरती भी की जाएगी, जिसमें सांसद अशोक रावत, विधायक राम कृष्ण भार्गव, ADM राम भरत तिवारी, CDO अक्षत वर्मा, DPRO मनोज कुमार, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुंदला मऊ मुनेन्द्र अवस्थी आदि मौजूद रहेंगे। इसके बाद सोमवार शाम मिश्रिक नगर पालिका की ओर से 2,000 दीपक जलाए जाएंगे। ये जो कार्य चल रहा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो अयोध्या में 51,00,000 दीपों से जो पूरा देश जगमगाएगा, उसी तर्ज पे, उसी तरह पे नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ के जो 51,000 दीपों से जो सजाया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे परम सम्मानित आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में जो ये दीप प्रज्वलन का काम हो रहा है, उसी की तर्ज पे हमारे यहाँ नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ पे 51,000 दीपों का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है और इससे हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। iIndia के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए iIndia।